तो क्या है मेरे प्यारे भाई लो, तो भाई लो इस वाले गेम प्ले में तो पहले बता रहा हूँ यहाँ पर मेरे दो गेम प्ले होने वाले हैं। दोनों गेम प्ले बहुत ही प्यारे होने वाले हैं। वो आता है कि एक गेम प्ले में चिकन नहीं निकलता है पर दूसरे गेम में प्यारा सा चिकन निकालते हैं। तो आप यहाँ पर पूरी वीडियो देखना एंड यहाँ पर पूरा गेम प्ले इन्जॉय करना, क्योंकि आप लोग को इस गेम प्ले में बहुत कुछ सीखने को भी मिल सकता है और मज़ा भी आप लोग को और आएगा। अब बढ़ते हैं गेम प्ले के ऊपर। यहाँ पर सीन क्या होता है ना कि मैं उतरता हूँ, आप लोगों को पता है मेरी ड्रॉप लोकेशन कौन सी है। उस जगह को कूदने से पहले ना मैं यहाँ पर कार को स्पॉट कर बग्गी को स्पॉट करता हूँ। मेरे को वहाँ पर कुछ भी चीज़ स्पॉट नहीं हुई थी, इसलिए मैं शॉप पे कूदता हूँ। मेरी किस्मत सच्ची में अच्छी थी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पर ड्रैगन बॉल को ना ओपन करा ना, तो यहाँ पर मेरे को भाई कैप्सूल मिल गया था। और क्या ही चाहिए, अब सामने एक बॉट आ चुका था एंड एक बंदा जो कि भाई मेरे जस्ट ऊपर जंप कर दिया था। अब यहाँ पर सबसे डर इसी बात का था मेरे को कि वो बंदा मेरे को ना मार दे, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर अब मर गया ना तो भाई यहाँ पर बहुत ही गंदा मेरे को माइनस लगने वाला है। तो इससे अच्छा मैं इस बॉट को मारने के बाद, अब जैसे मैं कैप्सूल लेके निकलता हूँ ना, तो ये बंदा मेरे को डैमेज देता है। मैं समझता हूँ कहता ये बंदा आएगा नीचे जब तक मैं यहाँ पर रिकॉल ले लेता हूँ। मेरे को सामने बग्गी स्पॉट हो गई थी और बग्गी स्पॉट जैसे कैप्सूल को कैरी करता हूँ और कैरी करने के बाद मैं बग्गी लेके सीधे निकलता हूँ रिकॉल पे, और रिकॉल लेने के बाद मैं डायरेक्ट इसी बंदे पे पुश करूंगा जो बंदा मेरे को यूजी से डैमेज दिया। मेरे को 100% था कि ये बंदा नीचे जंप करेगा और यहाँ पर लूट भी करेगा। और यहाँ पर रिकॉल लेने के बाद ना, यहाँ पर जब भी मैं रिकॉल लेता हूँ मेरे को एक ही चीज़ का डर लगता है कि भाई बग्गी रुक ना जाए, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं कौन सा ग्लिच है क्या सीन है, जैसे कि बग्गी जाती है तो भाई रुक जाती है एकदम से। उसकी चक्कर में मैं 2-3 बार मैं मर चुका हूँ। आप लोग यहाँ पर मरे हो कि नहीं मरे हो जल्दी से कमेंट करके मेरे को यहाँ पर बता देना। अब यहाँ पर मैं रिकॉल तो ले लेता हूँ और रिकॉल लेने के बाद सीधा बग्गी लेके उसी बंदे पे निकलता हूँ जो बंदा मेरे को यूजी से मार रहा था। अब बंदा मेरे को आराम से स्पॉट हो चुका था और यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद ना इसकी जैसे लूट करता हूँ। जैसे वो लूट तो यहाँ पर कुछ भी नहीं थी पर थोड़ा बहुत लूट भी, मैं फिर भी यहाँ पर क्रेट को लूट लेता हूँ। और क्रेट को लूटने के बाद मैं बग्गी लेके सीधे निकलता हूँ यस ना मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पर विश मांगनी थी। तो भाई इससे अच्छा भी रिकॉल भी है और ड्रैगन बॉल को मैं यहाँ पर कलेक्ट को कर लूँगा। अब जैसे मैं यहाँ पर ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के लिए निकल रहा था तभी यहाँ पर एक बंदा मेरे को भाई फायरिंग करके बुलाता है। अब ये मैं समझ गया था भाई यहाँ पर भाई अपना फैन मीटअप करने के लिए आया है। मैं इस भाई से बात करने का काफ़ी ट्राई करता हूँ भाई, पर भाई का पता नहीं भाई का यहाँ पर माइक ग्लिच था या मेरा ग्लिच था, पता नहीं कुछ भी यहाँ पर ना उसका साउंड आ रहा था। अगर मैं यहाँ पर बोल भी जाता तो भाई उस बंदे को साउंड जा रहा था कि नहीं जा रहा था, पता नहीं क्या सीन था। तो मैं यहाँ पर फिर भी यहाँ भाई को बोलता हूँ भाई लास्ट में मिलते हैं, अगर बचेगा मैं बचूंगा आप बचोगे तो लास्ट में पक्का मिलेंगे। और बोलने के बाद हम बग्गी लेके मैं सीधे निकलता हूँ यस नैप पे। अब जैसे मैं यस नैप पे आता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ कि कोई बंदा है या नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे ना अगर रिकॉल भी होते हैं तो भाई यस नैप पे तुमको पता है ड्रैगन बॉल क्लियर करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से सारे ड्रैगन बॉल को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर सीधे बग्गी उठाता हूँ, बग्गी लेके सीधे यहाँ पर निकलता हूँ। मुझे यहाँ पर एक ही चीज़ का डर था कि मेरे से पहले यहाँ पर कोई एक्टिवेट ना कर दे, मैं तुरंत जाके यहाँ पर एक्टिवेट करता हूँ और घर में अंदर घुस जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि कोई ओपन से बंदा आए और मेरे को स्पॉट करके मार दे। तो इससे अच्छा मैं घर में होल्ड करूँ आराम से। यहाँ पर काफ़ी देर होल्ड करने के बाद जैसे मेरे को यहाँ पर पावर मिलती है और मैं पावर लेके सीधे निकलता हूँ यस ना मेरे को, कि वहाँ पर एक बंदा ना UMP9 की फायरिंग कर रहा था। तब मेरे को यहाँ पर डांसने का साउंड आता है। अब यहाँ पर सीन क्या होता है ना, मैं इस बंदे पे पुश करने के लिए आता हूँ तभी ये बंदा आगे जाके होल्ड करता है मतलब वॉल के पीछे, तो मुझे लगा मैं इसको बंदे को पीछे से मार दूंगा। तो मैं पीछे निकलता हूँ तो ये बंदा मेरे पे पुश कर देता है और बंदे को कोई भी आइडिया नहीं था कि भाई यहाँ पर सीन क्या हुआ। अब यहाँ पर उस बंदे को मारने के बाद ना तब यहाँ पर बग्गी आती है, जैसे मैं आपको बोला था कि यस ना में काफ़ी सारे बंदे आते हैं यहाँ पर ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के लिए। अब ये बंदे को मालूम पड़ के जब फाइट चल रही उसके बाद ये बंदा यहाँ पर तुरंत भागता है। बस मैं यहाँ पर सबसे अच्छी काम क्या करता हूँ ना, इस बंदे का यहाँ पर मैं बग्गी का टायर फोड़ देता हूँ। और तुम लोग को पता है बग्गी का टायर फोड़ते तो बग्गी खलास है, मतलब ये समझो ज़्यादा दूर तो बिल्कुल नहीं जा सकती है। इसलिए यहाँ पर जो विश मांगा था उसके मैंने यहाँ पर पूरा एडवांटेज उठाया और इस बंदे का मैंने यहाँ पर पीछा करा। अब यहाँ पे मैंने ट्राई करा इस बंदे को मारने के लिए और आखिर में आके मैं इस बंदे को मार ही देता हूँ। मतलब बंदे ने क्या सोचा मैं बच गया हूँ, पर यहाँ पर तुम लोगों को पता है कि मैंने यहाँ पर पहले ही विश मांग ली थी
ऑब्वियस मानने का आप लोग को पता है कि कितना ज़्यादा हम लोग को एडवांटेज मिलता है। तो आप लोग भी यहाँ पे एक चीज़ ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आप रिकॉल लेते हो ना, तो रिकॉल लोग आप लोग करते हो बंदे मारते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, आप वही चीज़ यहाँ पर ट्राई करते हो, प्लस भी अच्छे को मिलता है। एंड ये भी चीज़ तुम ट्राई कर सकते हो कभी, जैसे कि रिकॉल लिया उसके यहाँ पर ड्रैगन बॉल विश मांगी और विश मांगने के बाद बंदे मारे, क्योंकि दो तीन मिनट का बाद देता है ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने, और विश हम लोग यहाँ पर मांग सकते हैं, ठीक है ना। तो विश मांगने के बाद बंदे यहाँ पर मारोगे तो एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा आपके पास यहाँ पर रहेगा। अब मैं जैसे यहाँ पर अपार्टमेंट की साइड पर निकल रहा था तब यहाँ पे बग्गी आते हैं। अब इस बंदे का भी मैंने यही सीन करा एंड इस बग्गी का मैंने टायर फोड़ दिया था। जैसे बंदे पे पुश करने के मैं निकलता हूँ, अब ये बंदा यहाँ पर जंप करने लगता है। मैं बस इसको शॉटगन देने ही वाला था तब तो भाई ये बंदा यहाँ पर जंप कर लेता है। अब जंप करने के बाद ना मैं सोचता हूँ भाई इस भाई से बात करता हूँ, पर भाई वही सीन हो रखा था। अब मेरे को यहाँ पर कन्फर्म हो चुका था कि मेरे ही माइक में यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो मैं इससे अच्छा भाई यहाँ से निकल जाता हूँ एंड भाई को बोलता हूँ भाई तू बैठ जाओ अंदर। और अंदर बैठने के भाई सीन क्या होता था, इस भाई का जो बग्गी था उसका मैंने टायर फोड़ दिया था सामने बॉर्ड देते बॉर्ड को कुचलने के बाद में अपने भाई को बोलता हूँ कि भाई ये बग्गी यहाँ से लेके चले जाओ। पता नहीं साउंड आ भी रहता है भाई, यहाँ पर समझ तो गया था। उसके बाद यहाँ पर भाई बाइक मतलब बग्गी लेके यहाँ से निकल जाता है। मैं भी यहाँ पर कैप्सूल लेके आगे निकलता हूँ बंदी स्पॉट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी रिकॉल था। तो जैसे मैं बग्गी लेके यहाँ पर घूम रहा होता हूँ ना, तभी तो यहाँ पर एक सीन देखना, मतलब एक बंदा ना एक बंदे के लिए कैम करके लेटा हुआ था और दोनों बंदों के साथ सीन करो, जितनी देखना बस। अब ये वाला बंदा ना सामने वाला जो घर में बंदा है वहाँ पर एक और बैठा हुआ पक्का 101% उसी का वहाँ वेट कर रहा था। मेरे को सामने बग्गी स्पॉट हो गई थी। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ मेरे को साउंड भी आ चुका था, मतलब ये बंदा ना सैक के अंदर बैठा हुआ था। और यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद ना वहाँ पर दो की मेरे को फ्री की मिल चुका था, क्योंकि हो सकता है ये बंदा को पता नहीं चला क्या सीन था। इस बंदे को मारने के बाद जो ऊपर भाई वो बंदा लेटा था उसके साथ तो भाई बहुत ही गंदा स्कैम हुआ। अब यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा वेट करने के बाद ना मेरे को कैप्सूल का साउंड आता, तो कैप्सूल का साउंड सुनने के बाद मैं इस बंदे को जैसे ही डैमेज देता हूँ ना, मैं तुरंत अपने बंदे पर रश करता हूँ। और यहाँ मेरे को ना फुल टू फुल कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैं इस बंदे को मार दूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर रश करा है बंदे पे। अगर आप किसी बंदे पर रश कर रहे हो, अगर आपके पास रिकॉल नहीं है ना, तो भाई अगर आप लोग अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो कि मैं उस बंदे को मार दूंगा तभी आगे जाना, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है तो भाई हो सकता है कि उस टाइम पे 50% आप यहाँ पर मर जाओ। तो कॉन्फिडेंस हो उससे फिर जाओ बंदे को मारने के लिए। आप मैंने काफ़ी जहाँ पर वेट करने के बाद ना तभी मेरे को यहाँ पर हल्का सा साउंड आता है कूप का, क्योंकि भाई तुम कूप वाले बंदे के साथ सीन देखना बस होने क्या वाला है उसके साथ। बंदे की किस्मत तुम देखो, मतलब बंदा भी इस जगह पे रुका जो कि भाई मेरे सामने एम पड़ रहा था और बंदे को तो यहाँ पर मैंने ईची मार दिया। मैं काफी सारे और बंदों को मैंने स्पॉट करा, यहाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं था, मेरे को पीछे से साउंड आता है। अब जैसे मैं इस बंदे को यहाँ पर डैमेज देता ना, मैं तुरंत रश करता हूँ। और यहाँ मेरे साथ सीन क्या हो वो देखो, मतलब भाई इतना गंदा मैं यहाँ पर फंस गया था, मतलब कि तुम देख ही सकते हो रिच के पास। अब यहाँ पर मेरी काफ़ी अच्छी HP डाउन हो गई थी। अब यहाँ पर उस बंदे के पास DVSP थी, अगर मैं उस बंदे से क्लोजिंग करता उसकी 8 DVSP मेरे पास चिपक जाती थी ना, तो मैं पक्का मर जाता। तो इसलिए वहाँ से मैं भागता हूँ एंड यहाँ पर हेल्थ वेल्थ मारने के बाद बग्गी लेके सीधे निकलता हूँ सर्कल में। अब यहाँ मेरे को अच्छा सा स्पॉट दे रहा था कि मैं कहाँ पर होल्ड करूँ, तभी मेरे को यहाँ पर गड्ढा दिखता है, तो मैं सोचता हूँ इस पर होल्ड करो, पर मेरे को यहाँ पर बंदे भी चेक कर रहा था कोई बंदा यहाँ पर लेटा ऑलरेडी नहीं है, तो यहाँ पर मैं होल्ड करता हूँ तो मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट होता है। अब जैसे मैं उस बंदे को स्पॉट करा रहा था तो मेरे को पीछे से एक बंदा मारता है। यहाँ मेरे को साउंड आ चुका था कि ये बंदा यहाँ पर काम यहाँ मार रहा था, पावर मार रहा था मेरे ऊपर, तो मैं तुरंत पेट की कवर में आता हूँ। पेट की कवर आने के बाद तो राइट में मेरे को डर लग रहा था कि मिलना मेरे को ना मार दे, तो इसलिए मैं फोटो फुल कवर लेने के बाद यहाँ पर हेल्थ लेता हूँ और जिस लोकेशन पर मैं था उधर निकलता हूँ। अब तुम यहाँ पर एक सीन देखना, मतलब यहाँ
यहाँ पर मैंने बंदे को काफी अच्छा डैमेज दिया। हो सकता है बंदा यहाँ पर कवर में हो, पर बंदा यहाँ पर बहुत सही मारते थे मेरे को एंड अच्छा मारा था। और यहाँ पर तुम तो प्लस देखो कितना 5+ मिला था। अब यहाँ पर दूसरा गेम प्ले है ना, ये भी वही सीन होने वाला है। इसमें सीन क्या हुआ था, उधर तो उधर मैं शॉप पे कूद गया था, पर यहाँ पर मैं कहाँ कूदूँ। अब मेरे को पता था मैं बहुत लेट भी हो चुका हूँ, तो यहाँ पर कोई कार बग्घी भी नहीं थी। अब घर पे कूदता तो मेरे को कन्फर्म था कि घर में पक्का बनता होगा। तब यहाँ पर एक ऊपर तुम देखना करके ऊपर बंदा आ चुका था, मेरे को कन्फर्म था। तो इसलिए मैं सोचता हूँ भाई रिकॉल लेता हूँ, मुझे पता था मैं पक्का मरूंगा, क्योंकि यार गन तो मेरे पास नहीं थी। भैया मेरे को पता था भाई मैं पक्का मारूंगा, पर मेरे को कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे भाई। अगर मैं रिकॉर्ड पर नहीं कूदता, कहीं और जगह कूदता हूँ रिकॉर्ड लेने के लिए, तो भाई यहाँ पर मैं मर जाता तो मेरा माइनस लगता। तो यहाँ मेरे भी भाई एक ही चीज़ उम्मीद थी, रिस्क लिया। उसके बाद मैं रिकॉर्ड पर कूदने के बाद यहाँ पर रिकॉर्ड लेता हूँ और सीधे निकलता हूँ यसना में, क्योंकि मुझे यहाँ पर ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर विश भी मांग लेता हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए मैंने उस सीन को कट कर दिया। मैं आप विश भी मांग लेता हूँ, ठीक है। विश मांगने के बाद मैं बग्घी लेके ऐसे निकल रहा होता, मेरे को सामने कैप्सूल दिखता है। कैप्सूल वाले को जैसे ही मैंने डैमेज दिया ना, और तुरंत मैं इस बंदे पे यहाँ पर रश करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को एक ही चीज़ का डर लगता, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी फाइट हुई थी। अब यहाँ पर हो सकता है कि एक बंदा पहले से यहाँ पर बैठा ना हो गई। तो मैं जैसे उड़ के इस बंदे के पास निकलता हूँ ना, तभी बंदा यहाँ पर उड़ के इधर निकलता है। अब यहाँ पर मैंने सबसे बड़ा रिस्क लिया था, जैसे कि मैंने पहले मैंने वीडियो में बोला था आप लोगों को कि देखो अगर आप लोग कॉन्फिडेंस उस बंदे को ईजी मारते हो, अब मेरे पे रिकॉल नहीं था, मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं इस बंदे को मार दूंगा, इसलिए मैंने इस बंदे को यहाँ पर मार दिया था। अब यहाँ पर मैंने एक किल करने के बाद, अब यहाँ देखना तो जो सर्वाइव करने वाला हूँ पूरे गेम को ना, वो आप लोग को बहुत पसंद आने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने किल नहीं करा था, वो अलग है। मैंने एक किल करने में सब फुल टू फुल सर्वाइव गेम खेलता हूँ, ठीक है। तो उड़ के मैं जैसे तैसे पानी की साइड उस साइड निकलता हूँ, मिलिट्री बेस की साइड पे, और यहाँ पर मैं पावर को यूज़ करता हूँ और यहाँ पर और बंदों को स्पॉट करता हूँ। तभी तुम यहाँ पर ये सीन देखो, ये देख रहे हो, मतलब लौंडे के मजे देखो। बदला भाई क्या बोलूं मैं ऐसे बंदों को, जो भी उसने करा ना खतरनाक सीन था। अगर कोई बंदा स्पॉट नहीं करता भाई, मैंने यहाँ पर स्पॉट कर लिया था उस बंदे को मारने के बाद। सामने बियाडम आ रही थी, उसके बाद इस बंदे बियाडम को मैं यहाँ पर फोड़ने लगता हूँ। तभी बंदे पानी के अंदर कूद जाता, मेरे को यहाँ पर स्पॉट हो गया था एंड मेरे को यहाँ पर एक और बंदा स्पॉट हो गया था, वो तुम देखो। यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद ना, अब जो पानी वाला बंदा था उसको काफ़ी देर को मैं स्पॉट कर रहा था कि कहीं तो वो पड़ जाए, क्योंकि जो मेरी एमओ थी ना वो सारी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि बियाडम फोड़ने के चक्कर में। तो मैं उड़ के सीधे इस बंदे पे निकलता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एमओ चाहिए थी। जो बंदा पानी में एक और है वो भी यहाँ पर बाहर निकल चुका था। यहाँ पर मैं उस वाले बंदे को स्पॉट करता हूँ, आगे निकलता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पर बंदा देखता ना, मैं इस बंदे को डैमेज देने के बाद फिर इस बंदे पर रश करता हूँ। और यहाँ पर इस बंदे को भी इजी मार देते हैं, मतलब तुम भाई मजा आ चुका था यहाँ पर मैंने इस बंदे को मारने के बाद, क्योंकि मेरे को थोड़ा तो उम्मीद लग रहा था कि मैं यहाँ पर चिकन को निकाल लूंगा। तो मैं उड़ के सीधे सर्कल में निकलता हूँ। अब यहाँ पर सामने बग्घी लगी हुई थी, तो मेरे को डर था कि वहाँ पर बंदा लेटा ना हो, तो मैं उड़ के निकलता हूँ, बंदा स्पॉट करता हूँ। तभी वो बंदा तो नहीं था, वहाँ पर पेटी पड़ी हुई थी। मैं समझ गया था जो बग्घी वाला बंदा वहाँ पर मर चुका है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 3 बंदे बचे हुए थे, जो कि भाई तुमको पता है ऊपर वाले सर्कल में कहीं ना कहीं जाके लेटे हुए थे। अब जैसे मेरे को यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता ना, अब इस बंदे को डैमेज देने के चक्कर में यहाँ पर एक बंदा मर चुका था, जो कि अब सिर्फ 2 बंदे बचे, जो कि एक मेरे राइट में था कहीं पे एंड जो एक बंदा मेरे सामने था। तो मैं सोच रहा था मैं इस बंदे को मारूंगा और इस बंदे को मारने के बाद मैं दूसरे बंदे पे यहाँ पर रश करूंगा। और यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद जो लास्ट वाला बंदा था, अब तुमको पता है कि उसके साथ मैं सीन क्या करने वाला हूँ। भाई मुझे पता था कि बंदा कहीं ना कहीं तो होगा, तो इससे अच्छा तो भाई मैं यहाँ पर कैप्सूल को ऑन करूँ और फुल टू फुल एडवांटेज, मतलब 50% यहाँ पर हमारी जो आगे का पूरा बीआरटीएम होता है,
पीछे से बात अलग है कि भाई बहुत ही गंदी गोली चपकती है, पर आगे से तुमको पता है खतरनाक है भाई कैप्सूल। अब कैप्सूल लेके मैं इस बंदे पे निकलता हूँ, अब इस बंदे के साथ सीन क्या होने वाला है वो देखो बस। तो भाई मजे आ चुका थे इस बंदे को मारना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। चलता हूँ, मिलते हैं अपने इस वीडियो में।